बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हनीफ खान हूँ और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हनीफ थॉट्स। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि माह रमज़ान मुकम्मल होने के बाद आज हम उम्मत मुसलमा हर जगह के ऊपर, बिलखसूस पाकिस्तान में और बाकी जगह के ऊपर भी ईद उल फितर बड़े ज़ोर शोर से मना रही है। तो आज इस मौके के ऊपर मैं जो आप लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है कि फ़लस्तीन के मुसलमान, फ़लस्तीन की औरतें, फ़लस्तीन के बच्चे, गज़ा इस वक्त तबाह हो चुका है और पाकिस्तान के जो इस वक्त मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहे हैं हम लोग, इस सिचुएशन के अंदर किस तरह हम ये ईद मना सकते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से यही मशवरा है कि इस ईद को इंतहाई सादगी के साथ मनाएं। सादगी के साथ मनाने का मकसद ये है कि हमारे फ़लस्तीनी भाई, कश्मीरी भाई, बिलखसूस गज़ा के मुसलमान जिस कर्ब, मुश्किल और मुसीबत के से गुज़र रहे हैं, हमें उनके साथ इजहार यकजहती करना चाहिए। हमें उनके लिए खसूसी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनके हालात को बेहतर और उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। लेकिन यह हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि आज दुनिया के मुसलमान ईद मना रहे हैं, मुस्लिम हुक्मरान सोए हुए हैं, उनको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है और ये एक जिस्म की मानिंद है और जिस्म के किसी एक हिस्से को अगर तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म परेशानी और मुसीबत में मुब्तला होता है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। तो इस ईद के मौके पर ठीक है, ये खुशियों भरा त्यौहार है, लेकिन जब आधी मुस्लिम उम्मत के लोग परेशान, मुसीबत, मुश्किल और लहूलुहान हों तो हम किस तरह इस ईद को खुशियों भरी ईद कह सकते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि गज़ा के मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन की औरतों बच्चों के लिए खसूसी दुआ करें और हम अल्लाह से ये दुआ करें कि या अल्लाह हमारे हुक्मरानों को वो गैरत ईमानी अता फरमा कि वो फ़लस्तीन के लिए हर फोरम के ऊपर बात करें और प्रैक्टिकली तौर पर सामने आए ताकि उन मुसलमानों को पता चले कि हमारे मुसलमान भाई वाकई आज जिंदा और हमारे साथ खड़े हैं। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों को दोबारा ईद मुबारक कहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।